गाँव में पांच जन मृत्यु अजणा रोग पर होना गाँव में बालीयात्रा बंद रही थ गाँ देवी रोष कर गोटे परे गोटे मुंड ने पूजारी बा गुरुमाई एमती किसी कहवापर चलला पूजा अर्चना आ दिगला घुषुरी बलि नवरंगपुर तेतुखुंटी खंडियागुड़ा गाँ लोके पूजारी कथार पड़ गाँ देवी पाखे घुषुरी बलि चढ़ावा चर्चार विषय हो आधुनिक समाज में रोग भलपाई एभली बलि दिजाक नहीं नाना प्रश्न उठी देखु ए हेउछि दृश्य नंबर एक पूजारी बा गुरुमाईर निर्देश अनुसार गाँ लोके चांदा फिदा करी बलिपाई आनी घुषुरी और पूजा सामग्री आउछि दृश्य नंबर दुई एठारे चली गुरुमाईं पूजा विधि गाँ मझे पड़िया देवी को रखा जाए सामने भोग चढ़ा गाँ को सुरक्षित रखापी गाँर चारिदिक लुहा कुटी मरा जाए दृश्य नंबर तीन गछ तले देवी पाख को जा धूप दीप दिजापर एक कृषि गाँव में बुला जा कृषि देवता जाए बालीयात्रा पड़िया अटकवा पर सेठारे एक घुषुरी को गाँ लोके जण जण कर चाउल खावाक देपर घुषुरी को अस्थायी भाव सेठारे प्रतिष्ठा करा देवी सम्मुखें बलि दि जा आ ये होउछि दृश्य नंबर चार पूजा विधि सरिबा परे गाँर समस्त पुरुष महिला गुरुमाईर पादस्पर्श कर आशीर्वाद ने ठाकुर मंदिर आम देलु नड़ागढ़ बांगलु नड़ागढ़ बांगलु आर साडे खाली पणा पणा का गुरुमाई के विदाई देबु। नवरंगपुर जिला तेतुखुंटी ब्लॉक खंडियागुड़ा गाँव में गत 12 दिन मध्य पांच जन अजणा रोग से मृत्यु होती दुई दिन तले डाक्तरी दल गाँ को आसी फेर से जीवापर गाँ लोके गुरुमाई को डाकी तीन वर्ष को थे होगा गाँ बालीयात्रा सात वर्ष होब होना एथपाई ग्रामवासी ग्रामदेवी रागिंट तेणु जणक पर जणक मुंड गड़ू गाँ को सुरक्षित रखा देवी को संतुष्ट बलि देवा पड़ गुरुमाई एमती बुझाइवा पर गाँव में एमती चली पूजा अर्चना शांति करबु गाँ बाला मने बोले कर सब डकाले आर दिशारी गुणिया आनले दिशारी गुणिया आनवार से दिशारी गुणिया किस बोल कहला देवार अच्छी पोड़ गोटे देवार अच्छी कुकुड़ा गोटे देवार अच्छी बोलला आ गुड़ी रे बसला गुरुमाई सब तो बसले आ रही लोग तो शांति कर सब लोग बस दे गाँव में पांच जन कौन पाए मृत्यु है तार ए पर्यंत कारण जमापड़ना विषाक्त मद और अस्वास्थ्यकर परेश मृत्यु होता गाँ को आसी डाक्तरी टीम अनुमान कर फेरी आभली स्थित गाँव गुरुमाई आसी पूजार्चना कर बलि चढ़ावा चर्चार विषय हो गाँ लोके अंधविश्वास वशवर्ती न हो डाक्तर परामर्श ने उचित कहुई से ही जिला प्रशासन यह मामलें हस्तक्षेप करार आवश्यकता रही नवरंगपुर कैमरा पर्सन ईश्वर विप्रकाश न्यूज 7।